हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के इस नए रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट और इंस्टेंट बनने वाली मालपुआ। इसके लिए आपको मैदे की ज़रूरत नहीं है, यह हम बनाएंगे आटे और सूजी का मालपुआ। ये बहुत ही इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए इसको बनाते हैं और इसको बनाने के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी नई नई वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। मालपुए बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लिया है, जिसमें हम सारी चीज़ ऐड करके उसको ब्लेंड करेंगे। आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हाफ कप सूजी ले रहे हैं यानी कि रावा। यहाँ पर हमें मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखना है, अगर मेजरमेंट बिगड़ जाएगा तो मालपुआ अच्छे से बनेंगे नहीं। इसीलिए हमने आधा कप रावा लिया है, तो उसके साथ साथ हम 1 कप आटा लेंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम केला। यहाँ पर हम एक बड़े साइज के केले को ऐड कर रहे हैं। आपके पास बड़े साइज का केला नहीं है तो आप 2 छोटे साइज के केले को ऐड कर सकते हैं। केला ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे सौंफ। यहाँ पर हम 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे दूध। दूध एक साथ हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, पहले हम यहाँ पर 1 कप दूध ऐड कर लेंगे। अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो हम फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम मिल्क पाउडर। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अब चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी जार में डाल के ग्राइंडिंग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सारे चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर ब्लेंड करने के बाद अब लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम इसमें अभी 1/2 कप से भी कम दूध ऐड कर लेते हैं। अब इसको हम फिर से थोड़ी देर के लिए ब्लेंड कर लेते हैं, फिर हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से बीच में कभी लगे कि दूध की कमी हो रही है तो आप थोड़ी सी दूध ऐड करके ग्राइंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, तो इसीलिए हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। इस तरह से एक बाउल में आपको निकाल लेना है, फिर आगे की प्रोसेस करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर कितने अच्छे से रेडी हो गया है, बहुत स्मूथ बना है। इस तरह का बैटर हमें रेडी करना है। बैटर को हमें ना ज़्यादा गाढ़ी करनी है ना ज़्यादा पतली, हमें इस तरह का सेमी लिक्विड वाला बैटर बनाना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड में 5 से 10 मिनट के लिए रख लेंगे ताकि हमारा बैटर थोड़ा फूल जाए। जब तक हमारा बैटर फूल रहा है तब तक हम चाशनी बनाने की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस में एक बड़े साइज के पतीले को चढ़ा दिया है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप शुगर। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। यहाँ पर हम 1 कप से थोड़ी सी कम पानी ले रहे हैं क्योंकि हमें थिक चाशनी बनाना है। मालपुए के लिए हमेशा थिक चाशनी ही बनता है। अब यहाँ पर गैस को ऑन कर लेते हैं और चाशनी बनाना शुरू करते हैं। चाशनी में हम ऐड कर लेंगे इलायची, क्योंकि मालपुए में इलायची का स्मेल अच्छे से आना चाहिए। जब इलायची का स्मेल आता है मालपुए में तो बहुत ही यम्मी लगता है। तो यहाँ पर हमने 4-5 इलायची को कूट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे केसर। यहाँ पर हमने 10 से 15 केसर को अच्छे से ऐड कर दिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे मालपुए में एक अच्छा सा रंग आ जाएगा। जो हम बाजार में देखते हैं उस तरह का रंग हमारे मालपुए में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर अच्छे से केसर को ऐड कर दिया है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसमें अब हम ऐड कर लेंगे नींबू। हम यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। हम इसलिए नींबू ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम ये इंस्टेंट मालपुआ बना रहे हैं। अगर हम एक दिन पहले से फॉर्मेशन करके इसको बनाते मालपुए को, तो हमें नींबू ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नींबू को ऐड करने के बाद हमें उसे चाशनी में अच्छे से मिला लेना है। अब ये देखिए चाशनी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। हमें चाशनी को ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली रखनी है, इस तरह का चाशनी हमें बनाना है। अब हम मालपुए बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट में कितने अच्छे से फूल गया है बैटर। अब मालपुए बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन को गैस में चढ़ा दिया है। अब इसको गर्म होने देते हैं, फिर उसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑयल को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं हमने कुछ ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है, हमें इसको बस थोड़ा सा फ्राई करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर कम तेल का यूज़ किया है।
अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह से थोड़ी सी हम बैटर डालेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि इसमें ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होने लग गया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक स्पून के मदद से, इस तरह से बड़े से स्पून के मदद से इसको एक ही जगह पे हमें डालना है ताकि वो राउंड शेप ले ले। आप जैसे ही एक ही जगह पे डालेंगे तो वो अपने आप राउंड शेप ले लेगा। तो ये देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं, इस तरह का ही आपको बनाना है। इस तरह के अगर बड़े से पैन में आप बनाते हैं तो आप यहाँ पर इजीली चार बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको चार बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने इसको चार एक साथ ऐड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए नीचे से पकने देंगे, फिर अलट पलट करके इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मालपुए फूलने लग गए हैं। मालपुए इस तरह से फूलने लग जाए तो हमें उसको दूसरी तरफ के लिए पलट लेना है। इस तरह से हम सारे मालपुए को पलट लेंगे। इस तरह से अलट पलट करके हम सारे मालपुए को फ्राई कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मालपुए में अच्छे से रंग आना शुरू हो गए हैं। इस तरह से हमें दोनों साइड में रंग आने तक उसको फ्राई करना है। अब इसको हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, फिर उसको हम निकाल के चाशनी में ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए मालपुए अच्छे से बन गए हैं। तो हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे, फिर इसको चाशनी में ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए हम मालपुए को चाशनी में धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं। इस तरह से अलट पलट करके दोनों तरफ हमें चाशनी लगा लेना है। हमें उसको ज़्यादा देर नहीं रखना है, थोड़ी देर जैसे ही ऑब्जर्व कर लेगा मालपुआ चाशनी तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे। आपको यहाँ पर एक बात की ध्यान रखनी है, आप जब भी मालपुए ऐड कर रहे हो आपको ध्यान रखना है कि चाशनी अच्छे से गर्म हो। अगर चाशनी गर्म नहीं होगा तो मालपुए उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और मालपुए ने अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर लिया है। ये देख सकते हैं आप मालपुए कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे मालपुए को बना लेंगे और जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने सारे मालपुए को बना लिया है और उसको बाहर निकाल लिया है। तो इसको हम अभी गार्निश कर रहे हैं। इस तरह से आप पिस्ता और बादाम दोनों को क्रश करके गार्निशिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का रेसिपी अच्छा लगा है, हमारा मालपुए बनाने का प्रोसेस आपको पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सपोर्टिंग अस।